दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास, वैदिक संस्कृति, NCERT सिलेबस पर आधारित। देखते हैं, आइए इसी एक ही वीडियो में पूरा वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। देखते हैं ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र कहा जाता है, शूद्र मिलता है शब्द। आगे हैं, यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद से ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति यजुर्वेद में, कर्मकांड एवं सामवेद में, संगीत विस्तृत लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। अगला, ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। भारतीय संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी, कुल या ग्रह, ग्राम, विश तथा जन के रूप में। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है, विश का प्रधान विश्पति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे और रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूत, अच्छबाप, पालागल और गोविकर्ता। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी।
समिति राजा को नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जो दासराज्य युद्ध का वर्णन है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। यह युद्ध परुषड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। उपनिषद में विदेह का राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जावाल, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है और सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन नदी थी, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, वो क्या था? ऋग्वैदिक काल। सरस्वती को मातृत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 आश्रम व्यवस्थाएं थीं। इनका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि। देखते हैं वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनके अर्थ। कुछ शब्दावलियाँ थीं वो क्या थीं? अगन्या, अगन्या को कहते थे। इनका अर्थ होता था बध न करने योग्य, अर्थात गाय, जो गाय का वध नहीं किया जा सकता था उसे कहते थे अगन्या। उर्वरा, उर्वरा भूमि को कहते थे, जुटे हुए खेत को उर्वरा। लांगल, ये हल को कहते थे। ब्रक, ये बैल को कहते थे। यब, जौ को कहते थे। गोधूम, गेहूँ को कहते थे। हिरण या सुवर्ण, सोना को कहते थे। करीस, गोबर की खाद को कहा जाता था। बेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को कहा जाता था। तंदुल, धान को कहते थे। और ब्रीह, चावल को कहा जाता था। ये वैदिक युगीन शब्दावलियाँ थीं। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी वो किसकी पत्नी थी? ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसको क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो शादी नहीं करती थी उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है, जो कि लोहे से ही संबंधित है, जिसको लोहा ही कहते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पड़ी वर्ग के लोग ही करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कर। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को
निष्प कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता ऋग्वेद ये ऐतरेय कौशेतिक ब्राह्मण से संबंधित हैं। आरण्यक ये ऐतरेय कौशेतिक, उपनिषद ये भी ऐतरेय कौशेतिक, सामवेद ये तंड जैमिनी, आरण्यक जैमिनी, छांदोग्यारण्यक छांदोग्य जैमिनी, यजुर्वेद तैतरीय शतपथ, आरण्यक इनका तैतरीय शतपथ, और उपनिषद बृहदारण्यक कठोपनिषद। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपद थे। उपनिषद इनका मुंडकोपनिषद या मांडिकोपनिषद। पुरुष में दीर्घ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। अरण्यानी वैदिककालीन नदियाँ कौन सी थी? जो वैदिककालीन नदियाँ थी क्रूम, जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है। वितस्ता, जिसको झेलम कहते हैं आज आधुनिक। परुषड़ी, ये रावी नदी का नाम है, प्राचीन नाम है। विपाशा, ब्यास नदी का। दुर्सद्धति, ये घग्गर का। सुवास्तु, ये स्वात का। कुभा, ये काबुल। अस्किनी, ये चिनाव। सतुद्री, सतलज का नाम है। सदानीरा, ये गंडक का नाम है। गोमती, ये गोमल का नाम है। ये आधुनिक नाम है और जो आजकल आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। आगे चलते हैं। ऋग्वेदकालीन देवता इंद्र, ये युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होता था। अग्नि, ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। वरुण, आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ये जो भौतिक संबंधी हैं, हमारी भौतिक क्रियाएं होती हैं जो उनसे संबंधित था वरुण, जो नेचुरल हैं, आकाश पृथ्वी समुद्र जल। धौ, धौ ये आकाश का देवता था। सोम, ये वनस्पति का देवता था। उषा, ये प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अश्विनी, ये विपत्तियों को हरने वाला देवता था। पूषण, ये पशुओं का देवता था। विष्णु, ये विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, ये आंधी तूफान का देवता। रुद्र, आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता कौन था? रुद्र। उत्तर वैदिक कालीन देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण पंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। पहले कर्मों के जो ऋग्वैदिक काल था वो कर्मों पर आधारित था, और उत्तर वैदिक काल ये जन्म के आधार पर, यानी कि जिस कुल में जन्म लिया उसके आधार पर। इस काल के वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। लोहे के हथियारों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के लोग करते थे, और ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। आगे है अगला। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। आजीविका का मुख्य आधार कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभी में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं था,
स्त्रियां हर काम कर सकती थी, सभी कामों में भाग लेती थी। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की पाबंदी लगा दी गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेय आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा प्रस्तावित हुई। गोत्र का शाब्दिक है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूलता पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया था। पूषण जो था, पूषण वो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। ऋग्वैदिक काल में पूषण क्या था? पशुओं का देवता था, और अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उपनिषद जो थे उनकी निंदा की गई है, तथा ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है, यानी कि ब्रह्म ही सब कुछ है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों की वेदांग 6 हैं, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, ये 6 वेदांग थे। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य। और आगे अब हम वीडियो लेकर आएंगे वैदिक साहित्य से आगे, यानी 6ठी शताब्दी, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जो भी बौद्ध और जैन धर्म इनसे संबंधित वीडियो होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा सही लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।